सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सभी भगवत प्रेमियों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे और श्रद्धा चैनल के माध्यम से आप सभी भगवत प्रेमियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली एक बहुत ही सुंदर और पवित्र त्यौहार है हमारे सनातन धर्म में और एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में कि जो प्रहलाद भक्त हुए उनकी बुआ का नाम था हुंडिका। जब भक्त प्रहलाद भगवान का भजन करते हैं तो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप जो भगवान का विद्रोही था, भगवान का दुश्मन था, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो था वो राक्षस था, दुष्ट था, और उसको ऐसा लगा कि जैसे भगवान को उस दुष्ट ने मार दिया है, लेकिन भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे तो उस हिरण्यकश्यप ने इस पृथ्वी पर डंका पीट दिया था कि मैं ही भगवान हूँ और अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला वो हिरण्यकश्यप राक्षस, उसका पुत्र प्रहलाद जो भगवान का भक्त हुआ, सुबह शाम दिन रात जपते जपते ठाकुर जी का नाम, जब हिरण्यकश्यप को पता चला तो उसने अपनी बहन हुंडिका को बुलाया। उसके पास एक शीतल चुंदरी थी जिसे वो ओढ़ के बैठ जाती थी, उसने तपस्या की थी तो तब उसको प्राप्त हुई थी कि अग्नि में भी यदि उस चुंदरी को पहनकर बैठ जाए तो जलती नहीं थी। तो चारों तरफ अग्नि जली हुई और वो हुंडिका उस चुंदरी को पहनकर बैठ गई और प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लिया कि इसको जला के मार दूंगी और ना ये प्रहलाद रहेगा ना ये कभी भगवान का नाम लेगा। तो प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि ऐसी सुंदर शीतल और पवित्र हवा चली कि वो जो चुंदरी थी वो उस हुंडिका से उड़ के प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद उस चुंदरी के माध्यम से बच गया और वो हुंडिका जल के मर गई। तभी से ये एक होली की प्रथा चली हुई है कि पूर्णिमा के दिन होली पूजन भी होता है और फिर होली जलाई जाती है, फिर उसके दूसरे दिन रंगों का त्यौहार होता है जिसमें हम एक दूसरे के मुंह पे, मस्तक पे गुलाल लगाते हैं। यानी जिस दिन गुलाल महोत्सव होता है उस दिन पूरा वातावरण कलरफुल हो जाता है, यानी अनेकों प्रकार के रंग, अनेकों प्रकार के गुलाल लगे होते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ उसको मनाया जाता है। तो मैं तो ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा श्रद्धा चैनल के माध्यम से कि आप सभी भगवत प्रेमी इस होली का त्यौहार मनाएं, पर होली के त्यौहार को मनाते समय एक बात का ध्यान रखें कि ये त्यौहार ऐसा त्यौहार है कि जैसे भक्त प्रहलाद सत्य पर रहे, भगवान का भजन किया, सदमार्ग पर बने रहे, प्रभु के नाम का आसरा लेकर अपने जीवन को धन्य कर लिया, ऐसे ही इस होली से भी हम अपने जीवन में एक संकल्प लें कि या तो हमारे जीवन में कोई अवगुण है तो उस अवगुण को छोड़ें, या हमारे जीवन में कोई ऐसा मार्ग पे हम चल रहे हैं उन सब को छोड़कर, सभी बुराइयों को छोड़कर इस होली को त्यौहार को मनाएं, संकल्प लें। और कहने का मतलब मेरा ये है कि सभी बुराइयों का त्याग करें, कभी भी दूसरे के प्रति हम द्वेष भाव से ना देखें और सदैव अच्छा कार्य करें। और श्रद्धा चैनल की जो टीम है उन सभी को भी होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
और श्रद्धा चैनल परिवार की तरफ से भी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कृष्ण कन्हैया पद रेणु श्रीधाम वृंदावन से मैं भी आप सबको अपनी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे।